हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल और कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे रियलमी एक्स 3 प्रो के बारे में। फाइनली इस फोन का हर एक स्पेसिफिकेशन जो है कंफर्म हो चुका है, बहुत जल्द हमें देखने को मिल जाएगा। काफ़ी एग्रेसिव प्राइस में लॉन्च होगा और इस फोन में हमें पिंटर एयर कैमरा के साथ 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको 5G कनेक्टिविटी भी देखने को मिलता है। दोस्तों ये फोन लॉन्च हो सकता है मई के महीने में, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे इस फोन के बारे में हर एक स्पेसिफिकेशन डिटेल में, और दोस्तों साथ ही साथ कब तक लॉन्च होगा और कितनी प्राइस में लॉन्च होगा, सारी डिटेल इस वाली वीडियो के अंदर। सो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक भी कर लेना। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो Realme X3 Pro में हमें देखने को मिल जाएगा AMOLED डिस्प्ले 6.6 इंच का, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन होगा एंड दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। साथ में आपको जो रिफ्रेश रेट मिलेगा 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट इस फोन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पीछे आपको मिलता है पिंटर एयर कैमरा का सेटअप, पिंटर एयर कैमरा यानी कि 5 कैमरा का सेटअप आपको पीछे देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको एक कैमरा यानी कि टोटल आपको 6 कैमरा का सेटअप इस फोन के साथ देखने को मिलता है। तो कैमरा डिपार्टमेंट कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है आप सोच सकते हो। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस फोन की कैमरे के बारे में। तो 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जैसे कि मैंने बोला मेन RGB सेंसर, बाकी जो 4 सेंसर होगा इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों यहां पे हो सकता है एक्स्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टेलीफोटो लेंस, डेप्थ सेंसिंग कैमरा एंड मैक्रो लेंस देखने को मिल जाए। गाइस सेल्फी कैमरा जो होगा यहां पे 16 मेगापिक्सल तक आपको मिल सकता है सिंगल शूटर सेल्फी कैमरा। लेकिन कुछ जगह पे Realme X3 Pro का फोटो लीक हुआ है जहां पे हमें देखने को मिलता है डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरा। बाकी आपको क्या लगता है, सिंगल फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ आएगा या तो फिर डुअल फ्रंट फेसिंग कैमरे के साथ X3 Pro हमें देखने को मिल जाएगा, नीचे कमेंट्स में जरूर से मुझे बोलना। बैटरी यहां पे आपको मिलता है 5500 mAh का बैटरी, वूक चार्जिंग 4.0 के साथ। साथ में आपको USB टाइप सी पोर्ट एंड हेडफोन जैक का सपोर्ट मिलेगा 3.5 mm के साथ। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि दोस्तों Realme X3 Pro एक 5G रेडी स्मार्टफोन होने वाला है, वो भी बजट के अंदर में। तो हमें देखने को मिल सकता है Dimensity 800 चिपसेट, जो कि डुअल 5G नेटवर्क को सपोर्ट करता है और काफ़ी अच्छा एक चिपसेट है Dimensity 800 MediaTek के तरफ से। और दोस्तों Realme X3 Pro 664GB 6128GB एक और वेरियंट के साथ देखने को मिल सकता है 8128GB के साथ। डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट होगा, साथ में आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स एंड Realme का खुद का यूजर इंटरफेस भी मिलेगा। दोस्तों यही कुछ फीचर एंड स्पेक्स के साथ Realme X3 Pro हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्दी। अगर लॉन्च डेट एंड प्राइस के बारे में बात करें तो दोस्तों Realme X3 Pro जैसे कि मैंने बोला मई के अंदर में लॉन्च होगा। और दोस्तों अगर बात करें प्राइसिंग के बारे में तो Realme X3 Pro हमें देखने को मिल सकता है अराउंड 20 से लेकर 25,000 के आसपास में 664GB, जो कि इसका बेस वेरियंट होने वाला है, वही हमें इंडिया के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे बोलना, अगर अंडर 25,000 में Dimensity 800 चिपसेट, 5G कनेक्टिविटी, 108 मेगापिक्सल कैमरा जैसा सेंसर देखने को मिलता है Realme X3 Pro में, क्या आप लेना पसंद करोगे या तो फिर क्या आप इस फोन के लिए वेट करना पसंद करोगे। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।